हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमज़ोर हो गई, अब कमज़ोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आँखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे जैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा, क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाते। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे जैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुजदिलों को जरूरत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने, एक दूसरे को धक्का देते तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए, ये कौन है कटा हुआ लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूँकि नमाज का वक्त हो गया था उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आप की गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई या अय्यतुहन नफ्स मुतमईना इरजई इला रब्बिकि राधियतन मर्दिया, फरमाया नफ्स मुतमईना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेदे पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा, औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की, सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है, हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें, उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम, सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्श देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा, शर्म नहीं आती, आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्ला में हो वो भी बुरा हो सकता है, बैतुल्ला में तो 360 बुत भी थे वो अच्छे थे, मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का, वो आज बकरा है। आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया, बेशर्मो अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी, बोले बोल के बता।